दिसमे लायर ऑफ मॉनरिंग सो वी आर डूइंग एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इसमें हम डेरिवेटिव uh, की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं सो इज अ डेरिवेटिव कॉल्ड वारंट्स हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है बट वी गोइंग टू स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन इट बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस वारंट्स आर डेरेवेटिव दैट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी मोस्ट कॉमनली एन इक्विटी बट नॉट नेली इक्विटी कि आपको एक राइट right दिया जाता है कि आप जब चाहें तो ये इक्विटी या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं द प्राइस टू एज एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस का आप लोग काफी हैं विद द बेसिक लर्निंग ऑफ तो वॉरेंट आर देयर जिसमें एक आपको राइट दिया जाता है कि यू कैन बाई एक्स अमाउंट ऑफ शेयर अमेरिकन और यूरोपियन का आपको याद होना चाहिए फॉर अफ रिकॉल अमेरिकन डेरिवेटिव या अमेरिकन ऑप्शन की जो बात कर रहे थे अमेरिकन वॉरेंट्स कौन से हैं विच कैन भी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर तीन महीने का है तो तीन महीने में किसी भी टाइम आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं और यूरोपियन क्या थे जो कि अगर तीन महीने का है तो ऐट द एंड ऑफ द थ्री मंथ्स ही एक्सरसाइज करेंगे यानी कि अपनी मच्योरिटी के टाइम पर ही वो एक्सरसाइज हो सकते हैं नॉट बिफोर दैट अमेरिकन कैन भी एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरेशन एंड यूरोपियन एज अब जस्ट टोल्ड यू वॉर डेट गिव द राइट टू बाई सिक्योरिटी आर नॉन एज कॉल वॉर और जो राइट टू सेल देते हैं दे आर रेफर टू पुट ऑप्शन दी आर आर ऑप्शन हैं क्योंकि इनमें बाइंडिंग नहीं है चॉइस है विद द होल्डर और वारंट वर्क वारंट इन नो मेन सिमिलर वे टू ऑप्शन सिमिलर ही हैं उससे बट दे आर फ्यू डिफरेंसेज एज वेल हम इसको बात भी करेंगे बट मेजर स्ट्रक्चर इसका उन्हीं ऑप्शन से ही कुछ ड्राइव है वॉरट्स आर जनरली इशूड बाई कंपनी इट्स सेल्फ ये यानी कि जिस कंपनी का शेयर है या जिस कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है वो खुद ही वारंट इशू करती है ये को मार्केट में अदर इंस्ट्रूमेंट्स इसको अदर प्लेयर्स इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते दे कैन बी ट्रेडिड ओवर द काउंटर और थ्रू एक्सचेंज लेकिन ज़्यादा ओ में ये मूवमेंट इनकी होती है इन्वेस्टर्स कैन नॉट राइट वॉरेंट लाइक दे राइट ऑप्शन के मैं अगर चाहूँ तो मैं ऑप्शन लिख लेता था आई कैन बी राइटर ऑफ अ कॉल ऑप्शन और अ राइटर ऑफ पुट ऑप्शन वारंट्स के केस में ऐसा नहीं है वारंट्स हैज टू बी डन फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो इंस्ट्रूमेंट है इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं नेकन वॉरेंट्स आर इशूड ऑन देयर ओन विदाउट ए कंपनिंग बॉन्ड्स और प्रेफर्ड ये एक जर्नली वॉरट इशू किए जाते हैं इसके साथ अटैच कोई चीज़ नहीं होती तो दे आर वेरी वराइटी है एक तो हमने एक की बात की है दे आर मेनी टाइप्स ऑफ वॉरेंट्स विच विल बी ब्रीफली डिस्कसिंग जो ट्रेडिशनल हैं नेकेड वारेंट वेडेड एंड

क्योंकि नए शेयर होल्डर जिसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे या जिसके पास वारंट है वो अब पूल में आ जाएगा ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं होता ऑप्शंस अब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के वहीं रहते हैं ऑप्शन सेपरेटली ट्रेड होती रहती हैं वारंट्स टेन टू हैव लॉन्गर पीरियड बिटवीन इशू एंड एक्सपायरेशन एंड दैट कैन बी फ्रॉम ईयर ऑप्शन नॉर्मली वन मंथ थ्री मंथ बट वारंट्स कैन भी वी कैन इशू फाइव ईयर वारंट्स थ्री ईयर वारंट्स सो दे आर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट वॉर डू नॉट पे डिविडेंट और हैव एनी वोटिंग राइट इसकी वजह से आप शेयर खरीद तो सकते हैं लेकिन जिसके पास वॉरेंट है उसका मतलब ये नहीं कि वो कहेगा कि मुझे डिविडेंड भी मिलेंगे या मेरे पास वोटिंग राइट्स है नो क्योंकि अभी तक वो डिविडेंट्स तो क्योंकि शेयर नहीं इस्टेब्लिश हुआ तो डिविडेंड्स भी उसके साथ अटैच नहीं है तो उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकती है बट आ, उसके साथ कैश फ्लो अटैच नहीं है डिविडेंड्स की फॉर्म में ये इन्वेस्टर्स इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं बिकॉज ऑफ देयर दे वॉन्ट टू लेवरेज देम सेल्फ दे वॉन्ट टू हैज देर पोर्टफोलियो अपने उसको सेफ गार्ड करने के लिए स्ट्रक्चर करने के लिए ये देखते हैं और आपके पास अगर ऑलरेडी स्टॉक पड़े हैं तो आप पुट के वारंट्स ले सकते हैं यानी कि राइट टू सेल ले लेते हैं ताकि आपको कहीं डाउन साइड का रिस्क जो है वो कैप्चर हो जाए टाइप्स ऑफ वॉरेंट जिसकी भी हमने बात की थी थोड़ा सा हम उनको फर्दर करेंगे ट्रेडिशनल आर इश्यूड इन कंजंक्शन विथ बॉन्ड विद इन टर्न कॉल्ड वारंट लिंक्ड बॉन्ड्स के बॉन्ड्स के साथ हम कहते हैं कि वारंट्स इशू किया जाते हैं ये एक किस्म का स्वीटनर होता है स्वीटनर मीन क्या आपको अपने बॉन्ड को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए या आप कोई हील्ड कम देना चाह रहे हैं तो उसके साथ आप वारंट्स अटैच कर देते हैं कि आप हमारा बॉन्ड लें साथ आपको वारंट भी मिलेगा तो एक पैकेज बन जाता है तो इसलिए वो इट्स मेर मो मेक मोर सेंस फॉर इन्वेस्टर्स दीज आर डिटैचबल मीन अब ये शेयर बॉन्ड अलहदा है वारंट एक अलहदा है डिटैचबल मतलब कि ये सेपरेटली बाय सेल हो सकते हैं सो दैट मीन्स कि इफ यू आर बाय आ पैकेज उसमें से आप बॉन्ड को अलहदा बेच दें वारंट्स को अलहदा भी बेच सकते हैं या कोई एक चीज आप चाहें तो बेच सकते हैं दे कैन बी इशूड इन कंजंक्शन विद प्रेफर्ड स्टॉक बॉन्ड्स के साथ भी आप वारंट कर सकते हैं प्रेफर्ड स्टॉक के साथ भी आप ये वारंट्स की इशूएंस कर सकते हैं वेडिड और वेडिंग वारंट्स आर डिटैचबल एंड इन्वेस्टर नॉट इटैचबल दीज आर मस्ट बी सरेंडर अब ये उसका पार्ट बना दिए जाते हैं कि ये इसका पार्ट है ये दोनों इकट्ठे ही बाय सेल होंगे इसमें स्प्लिट की ऑप्शन नहीं होगी तो इनको वेडिड कह दिए कि दिनों में मर्ज जाए एक, एक दूसरे के साथ ये पार्ट हैं तो जो भी होगा उसका पूरे पैकेज के साथ ये चीज़ बिल्टिन होगी कवर्ड वारंट्स आर इशूड बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रादर देन कंपनी सो न्यू स्टॉक इज इशूड वैन कवर्ड वॉरट्स आर एक्सरसाइज ये अब डायरेक्ट कम हमने पहले बात की थी कंपनी करेगी लेकिन ये जो कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो उनके साथ वो दैट इन कोलेबरेशन विद द कंपनी ये करते हैं और उसके बाद भी शेयर जो है वो फिर कंपनी ही इशू करेगी इसमें एक ज़रा ट्राइंगल इन्वॉल्व होगी इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कंपनी तो राधर वॉर आर कवर्ड इन दैट इंश्योरिंग इंस्टिट्यूशन ऑलरेडी अंडरलाइन शेयर और हैव द पोजिशन या तो उनके पास ऑलरेडी बड़ी पोजीशन है या वो फर्दर उनके पास राइट right है कि दे कैन गेट द न्यू शेयर तो ये उसकी एडिशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है द अंडरलाइन सिक्योरिटीज आर नॉट लिमिटेड टू इक्विटी हमने बात की इक्विटी की लेकिन ये मस्ट सिर्फ इक्विटी नहीं है इट कैन भी ऑन करेंसीज कमोडिटीज फर्दर पर्टिकुलर आइटम्स पे भी इन्वेस्टमेंट्स ये वॉल कर सकते हैं वैन वारंट इज लिस्टेड इट टिकर सिम्बल्स ऑफन लाई कम जैसे ये जब ये अगर मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे तो जैसे अगर एप्पल होगा और एप्पल का वारंट होगा तो ऐप्पल उसका साइन वही रहेगा एंड में एक डब्ल्यू लग जाएगा या जैसे ए बी ओ ई ए बी ई ओ है तो उसके एंड में डब्ल्यू लग जाएगा या कोई एक अदर सफिक्स वगैरह या प्री फिक्स इसमें ऐड हो जाता है जो कि डिनोट करता है कि तो ये वारंट की ट्रेडिंग हो रही है इसी तरह जैसे कोई ए बी सी एडिशनल लेटर एक डोनेट कर दिया जाता है जैसे आप पाकिस्तान में अगर आप बात करें कंपनी राइट शेयर जब इशू करती है तो वो एन बी पी आर के साथ आ जाएगा तो आर का मतलब क्या है कि ये शेयर नहीं है उसका राइट ट्रेड हो रहा है इसी तरह जब डब्ल्यू आ जाता है तो वो फिर वॉरेंट को रिफ्लेक्ट कराऊंगा थैंक यू